बाबा के आशीर्वाद से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बाबा हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। ये घटना बहुत पुरानी 1973 की है, बाबा के महाप्रयाण के बाद की। बाबा के एक भक्त भुवन चंद तिवारी उस समय पिथौरागढ़ रोडवेज में AIT के पद पर कार्य कर रहे थे। उनका सारा परिवार गांव घुमौली में रहता था। एक दिन गांव में उन्हीं की भैंस ने सींग से उनको घायल कर दिया। इतनी बुरी तरह घायल हो गई कि रक्त का बहना बंद ही नहीं हो रहा था। कितने घरेलू उपचार कराए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब गांव वालों ने उन्हें डोली में बिठाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसी रात बाबा ने तिवारी जी को स्वप्न दिया और कहा, तिवारी तेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है, घबरा मत, तेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही तिवारी जी की नींद खुल गई और वो घबरा कर उठकर बैठ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन जब उन्हें तार द्वारा पत्नी के साथ घटी घटना की सूचना मिली, तब वे बाबा के सपने में कही गई बातों को समझ गए। क्योंकि बाबा कह चुके थे कि पत्नी ठीक है, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं हुई, घबराहट नहीं हुई। वो अगले दिन घर गए और अस्पताल में पत्नी से मिले। वहाँ तिवारी जी को डॉक्टर जगदीश चंद चौधरी भी मिले, जो उनके बचपन के साथी थे, साथ ही पढ़ा था उन्हें 12वीं कक्षा तक। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी केवल भगवान की असीम अनुकंपा से बची है, उनके उपचार से नहीं। उनकी जांघ में इतना बड़ा घाव हो गया था कि अस्पताल आने तक शरीर का सारा खून निकल गया था, यहाँ तक कि टांके लगाना भी बहुत मुश्किल था। जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो हम लोग रात में यहाँ ऐसे बैठे थे जैसे उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हों। इसका कारण यह था कि अगले दिन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य निदेशक आने वाले थे, इसलिए अस्पताल में विशेष साफ सफाई हो रही थी और सभी लोग, वहाँ पूरा स्टाफ अस्पताल में ही था। आपकी पत्नी के यहाँ पहुँचते ही तुरंत उपचार शुरू हो गया। दूसरे दिन डायरेक्टर के आगमन के स्थगित हो गया। सूचना मिली कि एकाएक विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर लॉरी यहाँ पहुँच गए हैं, जो बाबा नीम करोरी बाबा के भक्त थे। उन्होंने उनकी पत्नी का उपचार में अपूर्व योगदान दिया, जिससे उनकी पत्नी जल्दी ही स्वस्थ हो गई। इस तरह बाबा अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो। जय हो, जय हो।